हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। सिंग मिक्सर पूरा सेट लगाने के सही तरीका बताएंगे, किस तरह के लगाया जाता है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यह हमारा सिंग मिक्सर का पॉइंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसकी दूरी 6 इंची है, फर्श 45 इंच हाइट पे होती है। सिंक की हाइट काउंटर टॉप 32-34 इंच हाइट होता है। मिक्सर लगाने से पहले एक बार कच्चा लेग लगा करके सब कुछ सही तरीके से देख लेना है, कितनी दूरी आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको काट देना है। परफेक्ट आ रहा है तो विंटेबल विंटेबल लगा करके उसको टाइट कर देना है। तो ये जैसे हमारे ज़्यादा दूरी आ रहा है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसको खोल दिए हैं, लेग कटिंग करेंगे। करने के बाद टेफ्लॉन टेप लगा करके इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने टाइम ध्यान बिल्कुल रखें, जितना ज़रूरत उतना ही टाइट करें। ज़्यादा टाइट करने से ब्रासिल वो एक्सटेंशन फटने का डर होता है। मिक्सर में क्या होता है, 2 mm अगर इधर मांग लिया उधर मांग लिया तो ज़्यादा ही टाइट करना पड़ जाता है। तो उसके लिए एक अंदाज से टाइट कर, एक मिक्सर पहले टाइट कर ले, दूसरा को लूज रखे उसको देखने के लिए कितना इसका क्या मांग रहा, दूरी मांग रहा। दोनों की दूरी 6 इंची 150 mm रहती है। जिस हाइट पे रखे 150, दोनों को सेम रखें। सेम रखने के बाद देख ले किसमें कितना गैप आ रहा है। मिक्सर ले ले, कच्चा लगा ले, इस तरह का देख किस तरह हम कच्चा लगा के देख रहे हैं। थोड़ा कम बेस हो तो पेप रिंच हो, चाबी हो, टोटा प्लास हो, उससे फिर दोबारा इसको सही तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करके ही फिर कैप लगा लेना है। यह हमारा कैप लग रहा है, हमें इसमें कैप लगाते हैं, हमारा फाइनल पॉइंट बना हुआ है। अब इसको हम वार्सल लगाएंगे। इसमें 2 वार्सल आते हैं, वार्सल बहुत ज़रूरी होता है इसका। बार्स लगा के ये हम तोता प्लास से कपड़ा लगा कर टाइट कर रहे हैं। अगर कपड़ा नहीं लगाए तो स्क्रैच आ जाएगा। सिलाई रिंच हो, पैप रिंच हो या तोता प्लास हो, कभी भी टाइट करें मिक्सर को तो धोती वगैरह लगा करके टाइट करें, जो उससे स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आता है। हल्का हाथ से टाइट कर, ज़्यादा हाथ से टाइट करने से स्क्रैच आ जाता है। यह हमारा ऊपर का नल था, सिंगल लीवर। अब इसको पीछे एलंकी, इसको एलंकी से हम टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया, ये मिक्सर कंप्लीट। ये रहा हमारा सिंक कटोरी। टाइट करने के लिए बहुत आसान तरीका, राउंड में है तो कोई मुश्किल नहीं है। नीचे से लगा कर इसका पेच ऊपर लगा कर बोल्ट, अब नीचे राउंड में होता है तो इसको नीचे से घुमा कर टाइट कर दे। ये अनडिल है उसको फंसाने के लिए। सिंक कनेक्टर, ये रिड्यूसर है, आप ऊपर वाला भी खोल सकते थे या नीचे वाला भी है। इसको हमने खोला नहीं है, ये देख सकते हैं। ये हमारा टी पॉइंट है, ये कचरे के लिए एयर के लिए जो टी पॉइंट में है। और दूसरा भी इसी तरह लगा करके नाप लेकर, छोटा है बड़ा है, ये हमारा परफेक्ट साइज है। ये हमने इसको लगा दिया। ये हमारा सिंक कनेक्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब रह गया नीचे का फ्लोर जाली लगाना, वो भी लगा करके दिखाएंगे आपको किस तरह लगाया जाता है। ये हमारा वाइट सीमेंट बन रहा है। वाइट सीमेंट बनाने के बाद ढंग से सफाई कर लो उसको, अंदर तक हैंडल के इसको तरीके से ग्रोट कर दें। ग्रोट करना इसको इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छीलन जाने का सबसे बड़ा खतरा यहीं से होता है। लेन फट जाए, कुछ हो जाए, वहाँ से तो पता चल जाता है, यहाँ का मुश्किल हो जाता है। सारे फर्श में पानी फैलने का डर रहता है, तो इसको सही तरीके से ग्रोट कर लें। करोट करने के बाद वाइट सीमेंट जाली के ऊपर भी इस तरह का लगा दे जिस तरह लगाया जा रहा है। उसे क्या होता है कि दोनों साइड से बैठ जाता है ये चीज़, तो वाइट सीमेंट यहाँ भी लगाना ज़रूरी है। लगाने के बाद उस पर रख दे जाली पे, छेनी हो तो जो किसी चीज़ से हल्का चीज़ से ठोक दे उसको। टाइल से कम 5 से 7 mm अंदर होना चाहिए, फ्लोर लेवल से डाउन होना चाहिए। तो जो सफाई कर दी, जाली भी हमारा लग गया है। ये रहा बेस्ट पाइप।
ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरी सिंक की फिटिंग कंप्लीट है, देख सकते हैं आप। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर करें।